राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमीरपुर के सुजानपुर चौगान में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को स्वदेशी के मुद्दे पर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन भर स्वदेशी को बढ़ावा देते रहे, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ लोग देश में वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन देश को ये मालूम नहीं है कि अभी तक राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई भी है कि नहीं। सुजानपुर के कला मंच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयास संस्था द्वारा लगाए गए निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर, दिशा फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा के समक्ष पुष्प भी अर्पित किए। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमें स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को ये मालूम नहीं है कि अभी तक राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं। उन्होंने कहा कि शायद राहुल गांधी अभी तक विदेशी टीके का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आशंका जताई कि क्या राहुल गांधी विदेशी दौरे के दौरान कोई विदेशी टीका लगवाकर तो नहीं आए हैं। आज महात्मा गांधी जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे राहुल गांधी जी विदेशी टीके का इंतजार करें, देश का टीका लगाने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर उनका भरोसा नहीं है। और जहां देश के 90 करोड़ लोगों ने टीकाकरण करवा लिया, अभी देश को पता नहीं राहुल गांधी ने टीका भी लगवाया कि नहीं लगवाया है। पता है किसी को? क्या उनको अपने डॉक्टर्स और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है कि विदेश यात्रा में जब गए थे वहां पर अपना कोई बाहर से विदेशी टीका लगवा कर लाए? ये बात कोई राजनीतिक नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी चिंता का विषय है। जिन लोगों ने देश में सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का सौभाग्य जिनको मिला और उनको अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया और कहा कि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब सभी अपनी सहभागिता निभाते हैं। उन्होंने कहा कि क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मगर प्रदेश जिला के साथ गांव में भी कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य दिया जा रहा है। उन्होंने हमीरपुर जिला के हर गांव से कम 20 किलो कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य भी दिया। और समाज ने अपनी भागीदारी दी तो सरकार भी सफल हुई, चाहे प्रदेश की हो देश की हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन और रहेगा, स्वच्छता अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 31 दिन है। हर पंचायत के हर गांव में, मैं पंचायत का लक्ष्य नहीं दे रहा, मैं हर गांव को लक्ष्य दे रहा हूं। ये प्लास्टिक के बैग भी आपको मिलेंगे, भर के आपने रखने। डीसी साहब पूरा खाता बनाएंगी कि पूरे हमीरपुर जिला में कितने किलो वेस्ट इकट्ठा हुआ है। हमारे हर गांव में हमने पूरे देश के लिए तो 75 लाख किलो का टारगेट रखा है, लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर हमारे हर गांव में कम से कम 20 किलो वेस्ट इकट्ठा होकर अपनी अपनी बोरियां अपने अपने नाम लिखकर सामने जमा करवाए जाए। हर गांव का योगदान होगा, हर गांव साफ होगा तो हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश भी साफ होगा, मेरे भाई और बहनों। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग घोषणा करके चले जाते हैं मगर उन्हें कभी पूरा नहीं करते हैं, ऐसी वे राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जब जमीन और तय मानक पूरे होंगे वे सुजानपुर के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में बिना बोले ही उन्होंने कई कार्यों को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का काम अक्सर विकास कार्यों में बाधा डालना होता है जो कि गलत है। जिस तरह की बाकी लोग राजनीति करते रहे कि बस आके दूसरे के काम पे अपनी पट्टिका लगा दो, घोषणा करके भूल जाओ, मैंने ना वैसी राजनीति पिछले 13-14 साल में की, ना मैं अगले करने वाला। मैंने बिना कहे भी बहुत कुछ किया है, बिना कहे भी बहुत कुछ किया है और आगे भी बिना कहे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये बात मैं जनता के बीच में इसलिए रखी कि चार लोग चुपके से आते हैं, कहते हैं यहाँ हॉकी के टर्फ बना दो या फलाना कर दो या वो कर दो,
जब तक जमीन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, आसमान पे कुछ नहीं बन सकता। जो मैं अपनी क्षमता के आधार से कर सकता, जिस संस्था ने कहा कि हमारे लिए कुछ करो, उनका टाई अप में करवाता गया और आगे वो करते गए। कैटरपिलर जैसी कंपनी दुनिया की सारे देशों में इनकी मशीनरी जाती होगी, वो आपके यहां पर आके आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, कहां देते हैं वो जाके? सरकारें उनसे टाई अप नहीं कर पाई, हमने संस्थाओं का टाई अप करवा दिया।